गुड मॉर्निंग एट क्लास बेटे, कल हमने 4D एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट सम सेकंड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 250 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि जो 250 नंबर है उसको हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये है कि 250 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ये परफेक्ट नहीं है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और उसके बाद हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 250 का एलसीएम निकालते हैं। तो 250 एक इवन नंबर है, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 ones are 2, 2 twos are 4, 1 रिमाइंडर बच गया, आगे से हमने 0 उतारी, 2 fives are 10। 125 5 पे जाता है, कितने पे, 25 पे, फिर 5 fives are 25, 5 fives are 25 एंड 5 ones are 5। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये पेयर्स 2, 5, 5 एंड 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो ये हमारे हम देख सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर कंप्लीट नहीं है, ये 5 का पेयर बन रहा है लेकिन 5 का पेयर ये नहीं बन रहा, ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हमें एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, अगर यहाँ पे एक 2 और एक 5 और होता तो ये हमारे कंप्लीट पेयर बन जाते। तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या आ गया, 2 multiply 5 10, कि हमें इससे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। ये तो आ गया स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पे हमें पूछा है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 250 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 10 से। तो इधर हम फैक्टर इंक्रीज कर देंगे, 2 के साथ एक और 2 लगा देंगे और 5 के साथ एक और 5, और ये हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट था। फिर 250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है, इन दोनों पेयर्स में से, इस पेयर में से 2 कॉमन, इसमें से 5, इसमें से 5, 5 fives are 25, 25 twos are 50, तो 50 आ गया 2500 का स्क्वायर रूट। यानी कि 50 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट आ गया 50। तो बेटे इसी के साथ का ही हमारा थर्ड सम है, बस इसमें क्या है, डिवाइड करना है कि जो आपका जो फैक्टर है, जो पेयर इनकम्प्लीट बच जाएगा, आपने उसी नंबर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और उसका परफेक्ट आंसर भी फाइंड आउट करना है। तो इससे रिलेटेड सम बेटे हम 4A एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, अगर आपको फिर भी समय नहीं आए तो आप 4A एक्सरसाइज में से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सम है 4th। 3600 सोल्जर आर आस्क्ड टू स्टैंड इन डिफरेंट रो सच दैट एवरी रो हैज एन मैनी सोल्जर देयर आर रो। कहते हैं एक आर्मी है जिसके अंदर 3600 सोल्जर हैं, उनको अलग अलग लाइन्स के अंदर खड़े होने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने खड़े इस तरीके से होना है कि जितनी आपकी रो बन रही हैं उतने ही हर रो के अंदर सोल्जर खड़े होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज, मान लो हमारे पास 50 रो हैं तो हर रो में सोल्जर भी कितने होंगे, 50। अगर 40 रो हैं तो हर रो में सोल्जर भी कितने होंगे, 40। लेकिन यहाँ पे सोल्जर हैं कितने, 3600। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल सोल्जर 3600, नंबर ऑफ रो, तो हम क्या करते हैं, देखिए जितनी रो और उतने ही सोल्जर, तो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, 3600 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं, तो 2 के टेबल पर 36 कितने पे आता है, 18 पर, पीछे 2 0। फिर 2 के टेबल पर 18 कितने पे आता है, 9, पीछे 2 0। फिर 2 से हम इसको 900 को डिवाइड करेंगे, 450। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 225। फिर ये देखिए 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 के टेबल पे जाता है, इसमें 225 भी 3 के टेबल पे जाएगा। 225 को 3 से डिवाइड करेंगे, 75। फिर से इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 25। एंड 25 तो हमें पता है 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। आप देख सकते हैं ये पेयर्स जो हैं वो कंप्लीट हमारे पेयर्स बन रहे हैं। तो इन पेयर्स में से हम 1 1 डिजिट क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 3600 का स्क्वायर रूट आ गया, 2 twos are 4, 4 threes are 12, 12 fives are 60, 3600 का स्क्वायर रूट आ गया 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी टोटल रो कितनी बन रही है, 60, और हर रो के अंदर सोल्जर भी कितने खड़े होंगे, 60। 60 को 60 से करें, 3600 सोल्जर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो बेटे इसी के साथ का जो नेक्स्ट सम है 5th, इसी के साथ का ही है, तो ये सम आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वन है आपका सम नंबर 6। तो बेटे 6 सम देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 14, 27 एंड 9।
हमें वो लीस्ट छोटे से छोटा स्केयर नंबर फाइंड आउट करना है जो 14, 27 एंड 9 इन तीनों से डिवाइड होता हो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इकट्ठा एलसीएम निकाल लेंगे इस सब में 14, 27 एंड 9 का। तो 27 और 9 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो 14 का 14 3 के टेबल पर, 27 9 पर और 9 3 पर। वंस अगेन 3 पे करेंगे 14, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। वंस अगेन 3 पर 14 का 14 एंड 1 एंड 1। फिर 2 के टेबल पर 14 आते हैं 7 पर, ये 1 1, फिर 7 के टेबल पर ये 1 पर। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम आ गया 378, इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 378। तो लेकिन 378 एक कंप्लीट स्केयर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर ही नहीं बन रहे हैं। तो 378 एक परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक 3 और चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 7 चाहिए। तो हम इसको टू मेक 378 ए परफेक्ट स्केयर, वी मल्टीप्लाई इट बाय 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। एक 3, एक 2 और एक 7 हमें और चाहिए, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से। अगर 42 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना नंबर गेट होता है, 378 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,876। तो परफेक्ट स्केयर नंबर आ गया 15,876। ये एक ऐसा नंबर है जो 14, 27 एंड 9 इन तीनों के टेबल से डिवाइड होता है। ये एक परफेक्ट स्केयर नंबर है, ये किसी ना किसी नंबर का स्केयर भी होता है। तो बेटे इसी से रिलेटेड है आपका सम नंबर 7, ये भी आपने सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आपने फेयर नोटबुक पर अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।